हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम एनर्जी मीटर या सब मीटर को किस प्रकार कनेक्शन कर सकते हैं। वायरिंग सीखने के लिए हम डबल पोल एमसीबी, एक एनर्जी मीटर और एक इलेक्ट्रिक लोड का उपयोग करने वाले हैं। दोस्तों, सिंगल पेज एनर्जी मीटर या सब मीटर के अंदर चार टर्मिनल होते हैं जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें पहला और दूसरा टर्मिनल इनपुट सप्लाई के लिए होता है और तीसरा और चौथा टर्मिनल आउटपुट सप्लाई के लिए होता है और यह समांतर क्रम में लगाया जाता है। अगर आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या अंतर होता है यह नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल पेज सप्लाई का जो फेज वायर होता है वह एमसीबी के जो नीचे दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं उसके पहले टर्मिनल के अंदर हमें फेज सप्लाई जोड़नी होती है और सप्लाई का न्यूट्रल वायर हमें एमसीबी के दूसरे टर्मिनल के अंदर जोड़ना होता है। यह तो हो जाएगी एमसीबी के इनपुट कनेक्शन और एमसीबी के जो ऊपर दो टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं यहाँ से आउटपुट सप्लाई लेकर हम सीधा एनर्जी मीटर या सब मीटर के अंदर जोड़ना होता है। जैसे ऊपर वाले पहले टर्मिनल से फेज सप्लाई लेकर एनर्जी मीटर के पहले वाले टर्मिनल के अंदर जोड़ना होता है और एमसीबी के दूसरे टर्मिनल से न्यूट्रल सप्लाई को एनर्जी मीटर के दूसरे टर्मिनल के अंदर जोड़ना होता है। इस प्रकार एनर्जी मीटर या सब मीटर के अंदर इनपुट सप्लाई कनेक्ट हो चुकी हैं और अब बारी आती है सब मीटर या एनर्जी मीटर से आउटपुट सप्लाई लेकर आगे इलेक्ट्रिक लोड के अंदर भेजने की। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, जो एनर्जी मीटर का जो तीसरा टर्मिनल है यहाँ से हमें न्यूट्रल वायर और चौथे टर्मिनल से फेज सप्लाई आउटपुट के रूप में मिलती है। तो एनर्जी मीटर के तीसरे टर्मिनल से न्यूट्रल सप्लाई लेकर सीधा इलेक्ट्रिक लोड के अंदर हमें जोड़ना होता है और एनर्जी मीटर के चौथे टर्मिनल जो कि फेज टर्मिनल होगा यहाँ से फेज सप्लाई को लेकर आगे इलेक्ट्रिक लोड के अंदर हमें जोड़ देना होता है। इस प्रकार हम किसी भी परिपथ में या वायरिंग में सब मीटर को आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि मैंने आपको एनर्जी मीटर या सब मीटर के कनेक्शन बहुत ही आसानी से समझाए हैं, परंतु अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को वापस देखें और फिर जो समस्या है उसे कमेंट में बताएं ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल पुश आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देख सकें और उसका आनंद ले सकें।